तो इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर एविल नन आ चुकी है फ्रैंकलिन के घर पे अपना हथौड़ा वापस लेने के लिए, लेकिन फ्रैंकलिन किसी भी हाल में एविल नन को उसका हथौड़ा वापस नहीं करना चाहता, क्योंकि एविल नन ने फ्रैंकलिन के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से फ्रैंकलिन एविल नन को जान से मारना चाहता है। लेकिन क्या सच में फ्रैंकलिन एविल नन को जान से मार पाएगा? ऑल राइट, तो यार काफी दिनों के बाद आज मैं अपने शोरूम की सफाई कर रहा था एंड तुम देखो भाई, मैंने पूरे शोरूम की अच्छे से सफाई कर दी। यार सही बता रहा हूँ, आज सुबह जब मैं शोरूम के अंदर आया था तो ये शोरूम वाकई में बहुत ज्यादा गंदा था, लेकिन यार पूरे एक घंटे से लगातार साफ सफाई करने के बाद फाइनली मेरा शोरूम पूरी अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। और यार सिर्फ नीचे वाले फ्लोर को साफ करने में 2 घंटे लग गए, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर को तो मैंने आधे घंटे में आसानी से साफ कर दिया, बिकॉज यार ऊपर वाला फ्लोर काफी ज्यादा छोटा है अगर हम नीचे वाले से कंपेयर करें तो। लेकिन यार साफ सफाई करते वक्त मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखी, भाई मेरे सेकंड फ्लोर के ऊपर इतना बड़ा हथौड़ा कहाँ से आ गया? क्योंकि यार मैंने तो आज से पहले कभी भी अपने शोरूम के अंदर इतना बड़ा हथौड़ा नहीं लाया है। बट चलो कोई नहीं यार, किसी का भी हो अगर वो मेरे शोरूम के अंदर है तो फिलहाल वो मेरा हो चुका है, इसीलिए भाई मैं इसको पैक कर लेता हूँ अपने घर पे ले जाने के लिए, क्योंकि यार शोरूम के अंदर हथौड़े का कोई काम तो है नहीं, इसीलिए मैं इसे लेके अपने घर पे चलता हूँ। और वैसे भी मेरे घर पे कोई हथौड़ा है नहीं, कोई काम करना होता तो भाई इसकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं इसे लेके अपने घर चलता हूँ। वेल यार अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं घर अपनी बाइक से जाऊँ या फिर थार से, एक काम करता हूँ फिलहाल मैं घर अपनी थार से चलता हूँ, बिकॉज यार बाइक कुछ ज्यादा ही चला ली है, फिलहाल बाइक चलाने का कोई मन नहीं कर रहा है, फिलहाल थार चलाने का मन कर रहा है, इसलिए थार को लेके अपने घर पे चलते हैं। वैसे मैंने अपनी इस थार को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडिफाई करा है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे ब्लू कलर इस थार के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने इसे ब्लू कलर में कर दिया। वैसे इस थार के ऊपर रेड कलर भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ब्लू अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने इसे रख लिया। और यार सच में ब्लू कलर करने के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा। वैसे अभी मैं घर पे इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज यार घर पे बहुत ही ज्यादा काम है, मुझे घर की भी साफ सफाई करनी है, और वैसे भी आज संडे है इसीलिए मैं घर की और शोरूम की साफ सफाई करने में लगा हुआ हूं। वेल ये देखो बातों ही बातों में फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे वापस, एंड यार सच बता रहा हूं मेरे घर पे वापस आने के बाद भाई मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यार मेरा घर दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ऊपर से बहुत ही अच्छा भी लगता है, एंड यार मेरे घर के जस्ट सामने जो स्विमिंग पूल है भाई, इसे देखते ही तुरंत नहाने का मन करता है। पर फिलहाल मैं नहाने वाला नहीं हूं बिकॉज मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, मुझे आज इस घर की साफ सफाई करनी है बिकॉज यार ये घर बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है। और उससे पहले मैं इस हथौड़े को अलमारी के अंदर रख देता हूं बिकॉज बाहर रखने का क्या ही फायदा है। ऑल राइट, तो फाइनली मैंने उस हथौड़े को अपनी अलमारी के अंदर रख दिया। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं अपने घर की साफ सफाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, बिकॉज यार अगर अपने घर के फ्रंट साइड पे देखो तो भाई यहाँ पे भी काफी ज्यादा गंदगी है, भाई बहुत ही ज्यादा गंदगी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर को साफ करना स्टार्ट कहाँ से करूँ। अरे साफ सफाई छोड़, पहले मेरा हथौड़ा वापस कर। एक सेकंड, ये कौन बोला? भाई साहब ये तो एविल नन है। यार ये एविल नन मेरे घर के अंदर कैसे आ गई और ये किस हथौड़े की बात कर रही है? अरे यार ये एविल नन गायब कहाँ हो गई, अभी तो ये यहीं पे थी। अब समझा, यानी कि मैं अपने शोरूम से जिस हथौड़े को लेकर के आया हूँ वो एविल नन का हथौड़ा है। अरे यार तो गायब कहाँ हो गई, मैं तो उसके हथौड़े को वापस कर देता लेकिन वो तो गायब हो गई, अब मैं उसे वापस कैसे करूंगा? अरे यार ये एविल नन मेरे पीछे कैसे पड़ गई भाई, अभी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और भाई उसने मुझसे हथौड़ा लिया भी नहीं, बस पूछा और चली गई चुपचाप। यार अगर वो मुझसे हथौड़ा मांगती तभी तो मैं उसको वापस करता, लेकिन भाई वो बोल के चुपचाप चली गई यहाँ से। यार अब मैं क्या करूँ, मुझे अच्छे से पता है कि ये एविल नन अब मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। भाई साहब मैंने इसका हथौड़ा उठाया, अब ये जब तक मुझे जान से नहीं मार देगी तब तक ये इस शहर से वापस नहीं जाएगी। यार क्या करूं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कोई तो ऑप्शन होगा। यार अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आरजेस टूल की हेल्प लेता हूँ, लेकिन यार ये आरजेस टूल भी खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखो यार मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने आरजेस टूल को ओपन कर सकूं ताकि मैं इससे हेल्प लूं भाई, क्योंकि मैं बार बार आरजेस टूल से ही हेल्प लेता हूं। बट एक सेकंड, यहां पे आरजेस टूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, टू अनलॉक आरजेस टूल कलेक्ट कोड, यानी कि अगर मुझे आरजेस टूल को अनलॉक करना है तो उसके लिए मुझे एक कोड को कलेक्ट करना पड़ेगा। ओ अच्छा, अब समझा भाई, ये मेरे साथ अक्सर होता है जब मैं बहुत दिनों तक आरजेस टूल का यूज नहीं करता हूं तो ये लॉक हो जाता है, और जब भी ये आरजेस टूल लॉक हो जाता है तो इसे अनलॉक करने के लिए कोई ना कोई मिशन करना पड़ता है। बट आज हमें एक कोड फाइंड करना है, और उस कोड को फाइंड करने के बाद हम जैसे ही उस कोड को फाइंड कर लेंगे तो फिर हमारा आरजेस टूल अनलॉक हो जाएगा। चलो अच्छी बात तो ये है कि इस बार कुछ भी ब्लास्ट वगैरह नहीं करना है, नहीं तो हर बार भाई इसे अनलॉक करने के लिए कुछ ना कुछ ब्लास्ट करना पड़ता था। बट इस बार हमें सिर्फ एक कोड को फाइंड करना है, और वो कोड हमें मिलने वाला है पुलिस स्टेशन के ऊपर। ऑल राइट, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ पुलिस स्टेशन पे ताकि मैं उस कोड को आसानी से कलेक्ट कर सकूं। अब देखो मुझे ये तो नहीं पता है कि ये पुलिस वाले मुझे ऊपर जाने देंगे या फिर नहीं, लेकिन एक बार इनसे बात करता हूँ, क्या पता बात करने के बाद ये मुझे आसानी से ऊपर जाने दे। क्योंकि यार जहां तक मुझे पता है कि नॉर्मली ये किसी को भी ऊपर जाने नहीं देते हैं बिकॉज ऊपर शायद इनकी कुछ प्राइवेसी वगैरह होती है। बट यार अभी मेरा ऊपर जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऊपर मुझे मिलने वाला है वो सीक्रेट कोड। चलो फिर जल्दी से पुलिस वालों से बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या ये पुलिस वाले मुझे ऊपर जाने देते हैं या फिर नहीं। ऑलराइट, तो फाइनली मैंने पुलिस वालों से बात कर ली है, एंड फिलहाल पुलिस वालों ने मुझे ऊपर जाने की परमिशन दे दी है। भाई साहब ये तो गजब ही हो गया यार, मैं हमेशा इनसे इतनी रिक्वेस्ट
करता हूँ, लेकिन कभी भी ये मुझे ऊपर जाने नहीं देते। लेकिन आज तो इन्होंने मुझे ऊपर जाने की परमिशन दे दी। एंड ये देखो यार, फाइनली मुझे वो कोड भी मिल चुका है। तो कोड है 85296। चलो यार, फाइनली हमें कोड मिल चुका है। एंड यार सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार इन पुलिस वालों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा भाई, आसानी से ऊपर जाने दिया। यार हर बार तो ऊपर वाले फ्लोर पे जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, ये जल्दी सुनते नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार ये आसानी से सुन ले भाई, रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ी। मैंने बस सिंपल इन पुलिस वालों से ये कहा कि सर मुझे ऊपर जाना है, मुझे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और इन लोगों ने आसानी से मुझे ऊपर जाने दिया। बट यार ऐसे मैं जब भी ऊपर जाने के लिए बोलता हूँ भाई, ये बहुत नखरे करते हैं यार, कभी भी सुनते नहीं अच्छे से, लेकिन आज सुन लिया भाई, ये तो काफी अच्छा हो गया मेरे साथ। चलो हमें उससे क्या यार, हमारा काम तो फाइनली अच्छे से हो चुका है ना। वेल अभी मैं उस कोर्ट को लेकर अपने घर पे आ चुका हूँ, तो अभी एक काम करते हैं, अपने फोन को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या आर्यशुल फिलहाल अनलॉक हो चुका है। ऑलराइट, तो जल्दी से यहाँ पे आर्यशुल पे क्लिक करते हैं। एंड ये देखो भाई, फाइनली हमारा आर्यशुल यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। चलो जब अब हमारा आर्यशुल अनलॉक हो चुका है, तो जल्दी से यहाँ पे टाइप करते हैं एविल नन अटैक इन माई सिटी हेल। ऑलराइट, तो मुझे अपने आर्यशुल के अंदर सिर्फ इतना टाइप करना, उसके बाद मुझे पक्का यकीन है कि ये आर्यशुल मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर बताएगा। बिकॉज जब भी मैं ऐसे सिचुएशन में फंसता हूँ, तो भाई ये आर्यशुल हमेशा मेरी हेल्प करता है। वेल अभी यहाँ पे आर्यशुल का एक नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यहाँ पे लिखा है इफ यू वॉन्ट टू चेज द एविल नन आउट ऑफ द सिटी देन फ्रैंकलिन विल हैव टू बिकम हगी वगी। एंड इसके बाद यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा है कलेक्ट टू टॉयज। ऑलराइट, तो यार मैंने आर्यशुल के नोटिफिकेशंस को पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे लिखा है कि अगर हम इस शहर से एविल नन को भगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हगी वगी बनना पड़ेगा। यानी कि अगर फ्रैंकलिन इस शहर से एविल नन को भगाना चाहता है, तो उसके लिए फ्रैंकलिन को हगी वगी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके वो एविल नन इस शहर से भागने वाली है। और उसके लिए सबसे पहले हमें दो टॉयज को कलेक्ट करना है, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ पहले वाले टॉय को कलेक्ट करने के लिए। एंड फर्स्ट वाले टॉय की लोकेशन मुझे पता चल चुकी है, जो कि है एयरपोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर। तो चलो फिर जल्दी चलते हैं एयरपोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर, एंड वहां से फर्स्ट वाले टॉय को कलेक्ट करते हैं। वैसे यार मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि फ्रैंकलिन हगी वगी में कन्वर्ट होगा कैसे, बिकॉज यार फ्रैंकलिन तो एक नॉर्मल सा इंसान है भाई, ये हगी वगी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। बट हाँ, अभी तक मैंने आर्यशुल को जितनी भी बार यूज किया है, तो मुझे पता है कि आर्यशुल जो बोलता है वो करके दिखाता है। लेकिन उसके लिए हमें आर्यशुल के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आर्यशुल जो भी कहेगा हमें उन सभी चीजों को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके ये आर्यशुल हमें हगी वगी में कन्वर्ट करेगा। ऑलराइट, तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, ताकि मैं यहाँ से अपने फर्स्ट वाले टॉय को कलेक्ट कर सकूँ। लेकिन यार मुझे इस फ्लोर पे कहीं पे भी वो टॉय दिखाई नहीं दे रहा भाई, कहीं उस सेकंड वाले फ्लोर के ऊपर तो नहीं है। यार एक काम करता हूँ, लेफ्ट साइड में देखता हूँ, क्या पता लेफ्ट साइड में मुझे वाला टॉय मिल जाए। ओके, तो यार मेरा शक बिल्कुल सही था यार, ये देखो फाइनली हमें हगी वगी का वो फर्स्ट वाला टॉय मिल चुका है। एंड यार ये टॉय तो हगी वगी का ही था भाई, बिल्कुल सेम हगी वगी की तरह दिख रहा था ये। वेल वो सब छोड़ो, अभी मैंने अपने फर्स्ट वाले टॉय को कलेक्ट कर दिया है, अभी मुझे एक और टॉय को कलेक्ट करना है, और वो सेकंड वाला टॉय हमें मिलने वाला है रेलवे स्टेशन की छत के ऊपर। तो चलो फिर जल्दी चलते हैं रेलवे स्टेशन पे, एंड वहां पे जाके उसकी छत के ऊपर से उस सेकंड वाले टॉय को कलेक्ट करते हैं। भाई साहब मुझे लगता नहीं है कि मैं एविल नन बन पाऊंगा, लेकिन यार मैं जैसे जैसे इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं शायद बन सकता हूँ। बट हाँ, अभी ये आर्यशुल मुझसे टॉय क्यों कलेक्ट करा रहा भाई, मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल ये जो भी बोल रहा है उसे मैं चुपचाप से फॉलो करता हूँ, उसके बाद मुझे पक्का पता है कि आर्यशुल कुछ ना कुछ क्रेजी तो करेगा। तो इसीलिए मैं अपनी बाइक को लेकर भाई निकल चुका हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, एंड जल्दी चलते हैं रेलवे स्टेशन पे। चलो यार अभी तो मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जल्दी से पहुंचना है रेलवे स्टेशन पे, एंड वहां से सेकंड वाले टॉय को भी कलेक्ट करना है। ऑलराइट, तो यार फाइनली मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगाते हुए पहुंच चुका हूँ रेलवे स्टेशन पे। तो यार मैं रेलवे स्टेशन पे तो पहुंच चुका हूँ, लेकिन अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसकी छत के ऊपर कैसे जाऊँ, बिकॉज यार देखो इसकी छत के ऊपर जाने का यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। और भाई अगर यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, फिर मैं इसके ऊपर जाऊंगा कैसे यार? यार कुछ तो सोचना पड़ेगा भाई, ये स्टेशन तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, इतना ऊपर तो मैं जंप भी नहीं लगा सकता। ऐसा भी नहीं है कि मैं चुपचाप से जंप लगा दूं और डायरेक्ट इसके ऊपर पहुंच जाऊं। भाई साहब जंप लगाने वाला आइडिया तो बिल्कुल बेवकूफी से भरा हुआ है। लेकिन एक मिनट भाई, अब मुझे यहाँ पे एक मस्त सा आइडिया समझ में आ रहा है यार। ये देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक बड़ा सा रैंप रखा हुआ है, तो यार मुझे लगता है कि ये रैंप मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। मैं काम करता हूँ, मैं इस वाले रैंप को लेके उस साइड लेके चलता हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है कि मैं इस वाले रैंप की हेल्प से आसानी से उस बिल्डिंग के ऊपर जा सकता हूँ, सॉरी उस बिल्डिंग के ऊपर नहीं, रेलवे स्टेशन की छत के ऊपर जा सकता हूँ। और उसके लिए भाई सबसे पहले तो मुझे इस रैंप को उठा के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बगल में फिट करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो यार ये देखो मैंने यहाँ पे इस रैंप को बहुत ही अच्छे तरीके से फिट कर दिया है, और मुझे लगता है कि अब मैं आसानी से रेलवे स्टेशन की छत पे जा सकता हूँ। तो चलो फिर एक काम करते हैं, अपनी बाइक को उठाते हैं और उसके ऊपर जाने का ट्राई करते हैं। भाई मैं बहुत ही संभाल के जाऊंगा, बिकॉज अगर मैंने अपनी बाइक की स्पीड को फास्ट रखा फिर मैं आगे निकल जाऊंगा जुरासिक पार्क के अंदर, और अगर मैंने बाइक की स्पीड को स्लो रखा फिर तो मैं यहीं पर रह जाऊंगा। इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से अपनी बाइक को जंप कराने वाला हूँ। और ये देखो भाई मैंने कहा था कि मैं बहुत ही ध्यान से जंप कराऊंगा, एंड ये तो पहली वाली जंप बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो चुकी है। एंड फाइनली इस वाली छत के ऊपर आके हमें मिल चुका है हगी वगी का सेकंड वाला टॉय। भाई साहब ये टॉयज दिखने में इतने ज्यादा डेंजरस है भाई, हगी वगी कितना डेंजरस लगेगा? वेल अभी ये सब सोचने की कोई भी जरूरत है नहीं, बिकॉज यार हगी वगी ही हमारी हेल्प करने वाला है। फिलहाल इस बाइक को यहाँ से नीचे लेके चलता हूँ। ऑलराइट, तो यार अभी मैंने
यहाँ पे आर्यस टूल के फर्स्ट मिशन को तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे सेकंड और बहुत ही खतरनाक सा मिशन मिल चुका है। और चलो देखते हैं कि आखिर हम इस सेकंड वाले मिशन को इजीली कंप्लीट कर पाते हैं या फिर नहीं। वैसे इस हगी वगी के टॉयस को कलेक्ट करने में उतनी कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं लगी, लेकिन फाइनली हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। और फिलहाल इस आर्यस टूल ने हमें एक और टास्क दे दिया है, जिस टास्क में हमें जाना है उस खतरनाक से रैम वाली बिल्डिंग के ऊपर। एंड उस वाली बिल्डिंग के ऊपर जाने के बाद हमें एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिसकी मदद से हम और भी आसानी से हगी वगी बन सकते हैं। अब वो चीज क्या है भाई, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस नोटिफिकेशन को बस इतना ही पढ़ा था भाई, उसमें इतना ही लिखा हुआ था कि फिलहाल हमें वहां पे जाना है। चलो फिर जल्दी से वहां पे चलते हैं एंड वहां पे जाके देखते हैं कि भाई आखिर वो अगली चीज कौन सी जिसकी हेल्प से हम आसानी से हगी वगी बन सकते हैं। और वैसे भी अभी तो मैं हगी वगी बनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, बिकॉज अगर मैं वो नहीं बना ना फिर तो एविलन मुझे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से हगी वगी बन जाऊं और मैं इस शहर से उस एविलन के बच्चे को मार के भगा दूं। बट एक सेकंड यार, ये बात हुई बातों में अपनी बाइक को एक अलग ही डायरेक्शन में चलाने लगा। भाई साहब मुझे लेफ्ट साइड पे जाना था, बिकॉज लेफ्ट साइड पे हमें रैंप वाला एरिया देखने को मिलता है, लेकिन मैं बात करने के चक्कर में भाई राइट साइड पे अपने घर की तरफ निकल रहा था। बट चलो कोई ना, फिलहाल मैं वापस आ चुका हूँ उस रैंट रैंप वाले रूट की तरफ। और राइट, चलो मैं बस उस वाले रैंप के ऊपर पहुंचने वाला हूँ। अभी आपको सामने जो रैंप दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ जाता हुआ, हमें उसी वाले रैंप के ऊपर जाना है। एंड भाई मैं आज से पहले कभी भी इस रैंप के ऊपर नहीं गया हूँ भाई साहब, ये फर्स्ट टाइम है मैं इस वाले रैंप के ऊपर जा रहा हूँ, इसीलिए भाई मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर का रास्ता कैसा होने वाला है, लेकिन फिलहाल मैं ट्राई करूंगा कि मैं काफी आसानी से और बहुत ही अच्छे से इसे कंप्लीट कर दूं। और वैसे भी अगर मैं इसे ध्यान से कंप्लीट नहीं कर पाया फिर तो भाई मैं हगी वगी नहीं बन पाऊंगा, और अगर भाई अगर मैं कहीं गलती से गिर गया नीचे ना फिर तो मैं पक्का चला जाऊंगा यार, क्योंकि यार ये रैम ऊपर की तरफ जाता रहता है और भाई उतने ऊपर से गिरने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अगर फ्रैंकलिन गिरेगा तो वो बचेगा, बिकॉज यार इस रैम की जो हाइट है वो कुछ ज्यादा ही है एंड इतनी हाइट से गिरने के बाद भाई कोई भी नहीं बचेगा, ये हम तो नॉर्मल इंसान है। बट यार इतना सोचने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज मैं इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा यार, इतना तो मुझे आता है भाई। जहां तक मुझे लगता है कि मैं इस वाले रैम को कंप्लीट कर दूंगा भाई, बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि मैं यहां से नीचे गिर जाऊं, बट हां मुझे लगता है कि मैं कंप्लीट कर दूंगा बहुत ही आसानी से। एक तो वैसे भी भाई ये रैम काफी ज्यादा छोटा है, मतलब अभी तो स्टार्ट किया था मैंने एंड ये एंड भी होने वाला है, मुझे बस सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर जाना है। उस वाली बिल्डिंग के ऊपर हमें मिलने वाली है वो सेकंड वाली चीज। अब देखो इस बिल्डिंग के ऊपर जो चीज रखी हुई है वो चीज क्या है उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन फिलहाल इस बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज है। पर भाई साहब ये तो बिल्डिंग के बगल वाला रास्ता कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, मुझे तो लग रहा था कि ये वाला रास्ता काफी ईजी होगा, लेकिन अभी को जाके ये रास्ता थोड़ा बहुत खतरनाक लग रहा है, बिकॉज यार इस वाली बिल्डिंग के बगल में जो रास्ता बना हुआ है भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी लग रहा है भाई, अगर मैं यहाँ से गिर गया ना तो डायरेक्ट नीचे बचूंगा नहीं। पर छोड़ो इतना सोचने कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई हम यहाँ पे सेफली आ चुके हैं। बट ये देखो यार फाइनली मुझे ये चीज मिल चुकी है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक पोर्टल है और भाई फाइनली हमने इस पोर्टल को कलेक्ट कर लिया है। भाई साहब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतनी आसानी से इस पोर्टल को कलेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन चलो फाइनली हमें ये पोर्टल मिल चुका है और फिलहाल इस पोर्टल को लेकर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन यार जैसे ही मैंने इस वाले पोर्टल को कलेक्ट किया भाई साहब मेरे फोन के अंदर एक और नोटिफिकेशन आ चुका है और फिलहाल मुझे एक और मिशन को कंप्लीट करना, उसके बाद मुझे एक जूस मिलने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उस वाले जूस को पीने के बाद फ्रैंकलिन कन्वर्ट हो जाएगा एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हगी वगी के अंदर। और जब फ्रैंकलिन हगी वगी में कन्वर्ट होगा तो फ्रैंकलिन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाएगी, मतलब सिंपल कहूं तो हमारा फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट इसके लिए फिलहाल मैं जा रहा हूँ उस वाली प्लेन को लेने के लिए जो कि हमारे एयरपोर्ट पर रखी होती है। बट एक सेकंड यार, मैं तो उस वाली प्लेन को लेने जा ही रहा था, लेकिन यार यहाँ पे तो फ्रैंकलिन का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो चुका है यार। यहाँ पे मैंने अपनी बाइक की स्पीड को कुछ ज्यादा ही फास्ट रख दिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुका हूँ। एंड फिलहाल तुम वो देखो भाई मेरी बाइक कितनी दूर जाके गिरी है, सच में यार यहाँ पे मेरी बाइक इतनी ज्यादा दूर चली गई है कि वो यहाँ से ढंग से दिखाई भी नहीं दे रही है। लेकिन चलो फिलहाल उस बाइक के पास चलते हैं और जल्दी चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, बिकॉज एयरपोर्ट के अंदर से हमें उस पीली वाली प्लेन को भी लेना है, क्योंकि यार मैंने उस प्लेन को लेकर एक बहुत ही कमाल का आइडिया बनाया जिसकी वजह से मैं आसानी से उस वाले रैम के ऊपर जा सकता हूँ जहाँ पे मुझे वो वाला जूस मिलने वाला है। अब देखो अभी फिलहाल मैं जिस वाले रैम के ऊपर गया था वहीं पे जस्ट बगल में एक और रैम पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे होता है, उसे मेगा रैम बोलते हैं। एंड फिलहाल मुझे उसी वाले रैम के ऊपर जाना है, एंड यार डायरेक्ट मैं उसके ऊपर जा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं फिलहाल यहाँ पे इस वाले प्लेन की हेल्प लेने वाला हूँ। मेरा प्लान कुछ ये है कि मैं भाई इस वाले प्लेन को उड़ाते हुए उस वाले रैम के ऊपर ले जाऊंगा एंड उसके बाद मैं उसके ऊपर ले आके जस्ट वहां से एग्जिट कर दूंगा। एंड जैसे ही मैं रैम के बिल्कुल ऊपर जाऊंगा और वहां से एग्जिट करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं आसानी से रैम के ऊपर लैंड कर जाऊंगा। एंड भाई जैसे ही मैं रैम के ऊपर लैंड करूंगा उसके बाद मैं सिंपल वहां से अपने जूस को कलेक्ट करके निकल लूंगा। अब देखो प्लान तो मैंने ऐसे ही कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप का बनाया, लेकिन देखते हैं कि ये प्लान सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल तो यार स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम ये है कि मैं काफी दिनों के बाद प्लेन को ड्राइव कर रहा हूं तो यार ये प्लेन मुझसे उतने अच्छे से ड्राइव नहीं हो पा रही है। लेकिन यार मैं पूरा ट्राई करने वाला हूं कि मैं आसानी से उस वाले रैम के ऊपर जंप करा पाऊं, बिकॉज यार फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर मैंने इस वाली प्लेन को क्रैश कर दिया फिर तो भाई मैं जान से चला जाऊंगा। उसके अलावा जितने भी लोग हैं भाई यहाँ आसपास रहते हैं भाई सबकी जान को खतरा हो सकता है, और ऊपर से भाई इतनी महंगी प्लेन का प्राइस कौन देगा और मुझे जिंदगी भर जेल में और सड़ना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे काफी परफेक्ट जंप करने वाला हूँ। ऑलराइट चलो फाइनली मैं उस रैम के ऊपर पहुंचने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे काफी ध्यान से जंप लगाना
जाना पड़ेगा। चलो फिर जल्दी से यहाँ से जंप लगाते हैं। ऑलराइट यार, ये देखो हमारा ये जंप काफी ज्यादा परफेक्ट हुआ है एंड मैं इस वाले रैम के ऊपर लैंड कर चुका हूँ। एंड भाई साहब, जैसे ही मैं इस वाले रैम के ऊपर लैंड किया, ये देखो भाई यहाँ पे मुझे वो वाला ड्रिंक की बॉटल भी मिल चुकी है जिसको कलेक्ट करने के लिए हमने इतनी ज्यादा मेहनत की। पर चलो कोई नहीं यार, हमने इतनी मेहनत की लेकिन फाइनली हमें ये वाला बॉटल मिल चुका है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रिंक है और फिलहाल मैं उस ड्रिंक को पीने भी वाला हूँ। लेकिन बार एक सेकंड, यहाँ से देखो भाई हमारा शहर यहाँ से कितना मस्त दिखता है भाई, पूरे शहर का नजारा दिखता है यहाँ से। यार सच में ये तो काफी कमाल की जगह है, बट यार मैं तो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर चुका हूँ। ऑलराइट, तो ये देखो यार फाइनली यहाँ पे हगी वगी आ चुका है। यार ये हगी वगी तो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और भाई फ्रैंकलिन हगी वगी करने के बाद भाई देख रहे हो कितने ज्यादा गुस्से में लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एविलन को देखते ही भाई उसे मारने वाला है, बट देखते हैं कि हगी वगी एविलन का क्या कर पाता है। लेकिन भाई ये एविलन ने क्या कर दिया, हगी वगी तो आसानी से मर गया। यार आज तो एविलन ने आसानी से हगी वगी बनने के बाद भी फ्रैंकलिन को पीट दिया, लेकिन फिलहाल फ्रैंकलिन कुछ और भी कमाल की प्लानिंग कर रहा है ताकि वो एविलन को आसानी से मार सके। बाय द वे, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप सभी लोग चाहते हो कि मैं एविलन वर्सेस हगी वगी का पार्ट 2 बनाऊं तो आप सभी लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड भाई, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम के अंदर आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा।